अगर किसी बालक को पूछा जाए कि इस लॉकडाउन में क्या किया, तो जवाब में कोई कहेगा कि जी भर के लूडो खेला, कोई कहेगा पबजी खेला, किसी ने चोरी छिपे वेब सीरीज आदि देखी, तो किसी ने टीवी प्रोग्राम्स मूवीज में अपना लॉकडाउन बिता दिया। लेकिन आज हम जिस बालक के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की है। लॉकडाउन में इस बालक ने कुछ असामान्य कार्य किया है। नाम मोक्षित जैन। चेन्नई के रहने वाले मोक्षित भाई ने चातुर्मास प्रारंभ यानी 4 जुलाई 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक एक साथ लगातार 108 पौषध किए। पौषध का अर्थ क्या? आसान भाषा में साधु जीवन का परिचय। कुछ समय के लिए साधु भगवान जैसा जीवन जीने को पौषध कहते हैं। सुनने में काफी सामान्य लग रहा होगा, लेकिन एक 13 वर्ष के बालक ने 108 दिनों तक ना मोबाइल को टच किया, ना टीवी देखा, ना टेस्टी फूड खाया, ना पबजी जैसे वीडियो गेम्स खेले, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति की। आज का वो समय जब बच्चे माता पिता की एक नहीं सुनते, ऐसे काल में अपने माता पिता के दिए गए अच्छे संस्कारों के कारण एवं गुरुदेव से प्रेरणा पाकर मोक्षित भाई ने अपने घर से दूर हैदराबाद फील खाना में श्री प्रेम भुवन भानु जय घोष जगत चंद्र सूरी के कृपा पात्र शिष्य पूज्य ज्ञान प्रभावक गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री अभय चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहेब की निशा में अद्भुत आराधना की है। 108 पौषध तो किए ही, लेकिन उन 108 दिनों में क्या क्या किया, क्या आप वो जानना चाहेंगे? 91 एकाश ने 14 आयम बिल, 3 उपवास, इतना ही नहीं अद्भुत तपस्या के साथ स्वाध्याय भी। इसी बालक ने पिछले वर्ष यानी 2019 में विजयवाड़ा में गुरुदेव की निशा में पर्युषण के बाद 50 पौषध लगातार किए थे। तब वर्धमान तप की 8 ओली की, जिसमें 41 आयम्बिल 8 उपवास किए थे। उस समय मोक्षित भाई ने संकल्प लिया था कि अगले वर्ष यानी अगले चातुर्मास में सेंचुरी लगानी है यानी 100 पौषध करने हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अनेक युवा ऐसे है जिनके कोई टारगेट ही नहीं होते। ऐसे समय में एक 13 वर्ष के बालक ने 2019 में जो गोल सोचा था वो 2020 में अचीव किया। इस वर्ष 100 पौषध की पूर्ति पर गुरुदेव ने प्रेरणा की कि 108 पौषध कर लो, क्योंकि परमेष्टि के 108 गुण होते हैं। तब इस बालक ने बिना कुछ सोचे गुरुदेव की बात को आदेश मानकर स्वीकार किया। उनके परिवार के वडील, दादा, दादी, माता पिता ने एक स्वर में सम्मति प्रदान की और कहा कि जैसे गुरुदेव की भावना हो वैसे करना। पौषध तो बहुत दूर की बात है। आज के समय में यदि बच्चा 7 दिनों तक मोबाइल से दूर रह जाए तो माता पिता उसे चमत्कार मान लेते हैं। ऐसे समय में 108 पौषध अपने आप में एक चमत्कार ही है। हम शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे थे और मोक्षित भाई ने आत्मा की जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ा ली। इनका पारणा 20 अक्टूबर 2020 को सुख शातापूर्वक हो चुका है। इस बालक की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। ऐसे अद्भुत बालक को अति सुंदर संस्कार देने वाले इनके पिताजी अविनाश भाई जैन और माताजी बहन नम्रता अविनाश जैन की भी खूब खूब अनुमोदना। अद्भुत है ये जिन शासन, अद्भुत है ये वीर शासन। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।